खबर रीवा जिले से है, जहां एरा पशु मुक्ति अभियान समिति रीवा ने क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के साथ जनपद पंचायत सिरमौर में सांकेतिक धरना दिया। एरा पशु मुक्ति आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने मीसाबंदी व वरिष्ठ समाजवादी चिंतक बृहस्पति सिंह धरने में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। श्री सिंह ने कहा कि पहले किसान जमीन में बीज डालता था तो कुछ न कुछ काट के घर लाता था, पर अब एरा पशुओं की समस्या के कारण जिले के किसानों पर अस्तित्व का संकट आ गया है, किंतु शासन प्रशासन इस संकट पर मौन है। किसान और किसानी को बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों का एकजुट होकर इस एरा पशु मुक्ति संघर्ष में शामिल होना आज समय की जरूरत है। धरने को संबोधित करते हुए समिति के संयोजक पूर्णानंद तिवारी ने कहा कि जिले का किसान एकजुट हो रहा है। परिवार सहित 2400 घंटे खेती की तकवारी करके थक चुका किसान एरा समस्या का समाधान होने तक खेत नहीं, अब जनपद कार्यालय ताकने का मन बना चुका है। धरने में किसानों ने आपस में चर्चा कर कठमना, तिलखन, राजगढ़, सौर, बिलवा, सुरसरी, खैरहन, नेबुहा, कररिया, पलहान, जामुबड़ी और सहित लगभग दर्जन भर गांवों की 10 सदस्यीय ग्राम समिति का गठन किया। धरने के बाद किसानों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद सिरमौर को कलेक्टर रीवा के नाम 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंप कर एरा पशुओं के त्वरित निदान की मांग की। ज्ञापन देने वालों में समिति के ब्लॉक समन्वयक प्रमोद सिंह कठमाना, यदुवंश प्रताप सिंह, राजेंद्र मिश्रा, पूर्व सरपंच श्रीपाल सिंह, अजीत सिंह, संतोष साकेत, विनोद सिंह, शैलेंद्र सिंह, राजेश गुप्ता, प्रदीप पांडे, सुनील कुमार, राजेंद्र शुक्ला, सत्यनारायण सिंह, स्वदीप सिंह, नवीन सिंह, अतुल सिंह, विजय सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, उमाशंकर शुक्ला, शशि प्रकाश पांडे सहित बड़ी संख्या में किसान व समाज सेवी शामिल हुए। पर लेकिन जिन गांवों में गौशालाएं नहीं है उन गांवों में हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए आप। लिस्ट बना करके हमको दीजिए, कलेक्टर महोदय से उसके लिए अनुमोदन करेंगे। हाँ, तो वो कार्ड प्रत्यय करा लीजिए। देखिए उसमें ये जो है ना, ये एरा पशुओं की जो समस्या है, मैं आपकी समस्या से जानता हूँ। मैं भी किसान आदमी हूँ, मैं भी पीड़ित हूँ जी। उसके लिए बहुत दिक्कत वाला काम है। अभी जो कलेक्टर साहब ने आदेश किया है उसमें कुछ सहयोग मिल रहा है आपको, कुछ प्रक्रियाएं हो रही हैं? हमने ग्राम पंचायतों को ऑलरेडी निर्देश दिए हैं कि अगर कोई ऐसे पुराने घर हैं जहाँ पर मान लो कोई कार्यालय नहीं लग रहा है और उस तरह का है, तो उसको पशुओं के लिए, ताकि अगर आप पशु को ही रखेंगे मान लो, तो पशु भी बीमार हो सकता है, मर सकता है। अब कल के दिन कह देंगे कि खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, पशु मर गया, अभी इसकी व्यवस्था तो नहीं कर सकता। कुछ जो पंचायत में, देखिए पंचायत में इतना फंड नहीं है, तो ये जो चीजें कर सके, ये चीजें आप कलेक्टर साहब को लिखिए ना। आप लिखिए, आपके गांव में पटवारी है, समिति सेवक है, ग्राम सेवक है, क्योंकि मैं कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हूं, सब जानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिन किसानों के जानवर है उनका पता लगा के टैगिंग करे, उस किसान का पता दे आपके पास, और सरकार से हम कहेंगे कानून बनाओ उस किसान को जो दूध तो लगा लेते दूध गुरुआ दे थी के पहला दे थी बात लगा दूध निकाल फिर छोड़ देता है ऐरा, तो उसको जुर्माना करना पड़ेगा सरकार, उसके लिए बाध्य करना पड़ेगा कि अपने जानवर को टैगिंग की प्रक्रिया। अभी जो गौशालाओं में पशु हैं उनमें तो टैगिंग हो गई। जब आपने कहा ना टैगिंग की प्रक्रिया, ये टैगिंग वेटरनरी डिपार्टमेंट का, तो आप इसके लिए तो मतलब यहाँ से कुछ उनके कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे होंगे ना? कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो गौशालाओं में मवेशी हैं उनमें टैगिंग कंप्लीट हो गई है। नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अरे मेरी किसानों के पास जो, अरे मेरी पूरी बात तो होने दीजिए, मेरी पूरी बात तो होने दीजिए, आप बीच में टोक देते हैं। मैंने कहा कि जो गौशालाओं में मवेशी हैं उनकी टैगिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम लोग जो है ना पंचायत लेवल पे ये करवा रहे हैं टैगिंग का काम, कि जो ऐसे हैं तो लिस्टेड हो जाए कि कौन सा मवेशी किसका है जी। समझ गए ना। हमने पंचायतों को ये भी निर्देश दिया है कि सभी जो पशुपालक हैं उनको ये कहें कि वो अपने अपने घर में मवेशी बांधें, अन्यथा उनके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। ये मैंने जो है ना निर्देश दिया, जो ऐरा जानवर घूम रहे हैं हर ग्राम पंचायत में उनको कहीं इकट्ठा करने की कोई व्यवस्था अभी नहीं है। अभी इसलिए नहीं है कि पंचायतों में न तो कोई ऐसी बिल्डिंग है गौशाला के अलावा, न जगह है। देखिए 6 एकड़ जमीन जहाँ जहाँ थी वहाँ वहाँ हम लोगों ने गौशालाएँ चिन्हित किया। 28-29 गौशालाएँ हमारे यहाँ हैं। कितने गाँव हैं टोटल अपने जनपद में? टोटल हमारे यहाँ 193 गाँव हैं और पंचायतें 103 हैं। तो 103 ग्राम पंचायतों में 28-29 पंचायतों में गौशालाएँ हैं जहाँ जहाँ पर जमीन थी। इसके लिए 1 एकड़ जमीन चाहिए बिल्डिंग के लिए, 5 एकड़ चाहिए चारागाह के लिए, 6 एकड़ जमीन हमें चाहिए।
अब गांव में भले जमीन है।